कल मैंने जो देखा उससे ये लग रहा है कि शर्बरी और कैरोलिना की आगे जाके दोस्ती हो सकती है, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक दोनों की दोस्ती कभी नहीं होगी। अभी ये मेरा अगला निशान, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी। क्या कर दिया पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया हो, कैरोलिना भाग तो नहीं, लूट गई मैं, बर्बाद हो गई। किसने फेंका मेरे घर के आगे कचरा, कौन है वो, किसकी हिम्मत हुई फिर से मेरे घर के आगे कचरा फेंकने की? अरे घर है मेरा, घर कूड़ेदान नहीं। ओह नो, सासु माँ आपको क्या हो गया, ऐसा रो क्यों रही हो आप? हारो Tell me, Sasuma, what happened? ये देख। Oh yeah, मैं देख रही हूँ सब कूड़ा कचरा। ये आपने किया? मैं क्यों करूँगी कचरा? तो फिर किसने किया? ये देख, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी। चिट्ठी? ये चिट्ठी जिसने लिखी है उसी ने ये कचरा किया होगा। ये देख। Oh no, ये कौन सा लैंग्वेज? बंगाली में लिखी है चिट्ठी, जिसने भी लिखी होगी ना उसने किया है। किसने किया है कूड़ा कचरा? ये सब किया है शर्वरी ने। शर्वरी ने? पर उसने ऐसा क्यों किया? वो ऐसे ही करती है बहुत पहले से। रियली? हाँ, सब औरतें एक साथ मिल जाती है और मेरे साथ झगड़ा करती है, उनकी वजह से मैं सोसाइटी छोड़ के भी चली गई थी। शर्वरी तो सबसे ज्यादा कमी है। देख क्या लिखा है उसने। मेरे को समझ में नहीं आया, आप ही बता दो। हाँ मैं ही पढ़ के सुनाती हूँ। उसने चिट्ठी में लिखा है कि योर बहू इज वेरी मच अगली। आपकी बहू यानी कि माए? हाँ तेरे बारे में लिखा है, साथ ही ये भी लिखा है बहू से ज्यादा सास अगली। नाउ नाउ, मेरे को बोला तो ठीक है पर आपको भी उसने ऐसा बोला? मैं शर्वरी को छोड़ूंगी नहीं। वही से सास माप। हाँ बोलना करू। आपको बंगाली आती? नहीं आती मुझे बंगाली। फिर आपने ये कैसे पढ़ा? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा तोड़ा तोड़ा, जैसे मेरे को आता है हिंदी तोड़ा तोड़ा। कोई बात नहीं, मैं शर्वरी को थोड़ के आते। जा जा बदला लेके आ। मेरे को बोला अगली वो ठीक, पर मेरी सास माँ को भी अगली बोलती है। अभी देखती हूँ मैं इसका। हेलो कैलिफोर्निया। कैरोलिना। तेस्ते। नमस्ते। हेलो कैरोलिना। नमस्ते। कहाँ चली हो लटक मटक? क्या मेरे को आपसे बात नहीं करनी है, मैं अभी मूड में नहीं हूँ। क्यों क्या हो गया, किसने मूड खराब कर दिया? गलती शर्वरी का है। क्या किया ऐसा शर्वरी ने, जरा हमें बताओ। अभी पता चल जाएगी शर्वरी। सास तो सास, बहू भी शर्वरी के पीछे पड़ गई। शर्वरी दरवाजा खोलो। मैं चिप्स लेके आती। शर्वरी क्या हुआ कैरोलिना? क्या किया, क्या क्या किया तुमने? कितनी घटिया हरकत किया पता है? क्या घटिया हरकत की है मैंने? या मेरे को पता था तुम ऐसे ही दिखाओगे कि तुमको कुछ पता ही नहीं है। But you do all things and then ऐसा फ्लिक हो जाती हो, फ्लिकर कहीं की नहीं। तुम पहले मुझको ये बताओ, मैंने ऐसे कौन सी घटिया हरकत की है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आके मुझे सुना रही हो? बताऊंगी ना, मैं सब बताऊंगी तुमने क्या क्या किया है और मेरी सास माँ के साथ तुमने जो हरकत की है वो हरकत बहुत घटिया है। कैसी हरकत की बात कर रही हो आप? तुम शांत बैठो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ओ भाई क्या लड़ाई कर रही है, एकदम किलर कातिल। अगो भाई किसका मर्डर किया इसने? ए भाई कब बस को, तुमको कुछ नहीं पता तो चुप बैठो। कातिल मैं ऐसे ही बोल रही हूँ उसकी अदाओं के लिए, जो झगड़ा कर रहे हैं उसके लिए। किसका मर्डर करते हैं? देखो मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा गिरी हुई होगी। बहुत हुआ कैरोलिना, अभी बोल भी दो मैंने क्या किया है और तुम क्यों मेरे सामने आके ऐसा तमाशा कर रही हो। देखो ये जो भी कर रही हो बहुत बुरा लग रहा है मेरे लिए स्पेशली, बाकी तो मजा ले रहे हैं, उनकी आदत ही है मजा लेना, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वैसे कार को कैरोलिना क्या क्या किया ऐसा शर्वरी जी ने जो आप इतना भड़क गए, एक बार बता दो हमको। हाँ कैरोलिना, ऐसी क्या बात हुई है जो तुम इतना ज्वालामुखी की तरह फट रही हो, जरा हमें भी बताओ। आप सबको पता है इसने क्या किया, हमारे घर के आगे इसने सब कूड़ा कचरा फेंक दिया है। कि यस यस यू डू ऑल दैट थिंग, ऐसा मेरा सासुमा मेरे को बोला है। और वहां पे हमको एक चिट्ठी भी मिला है, उस चिट्ठी में शी सेड मी क्या बोला बताओ बताओ, कब से वही सुनने के लिए तो बैठा है। शी सेड मी अगली, आई एम नॉट अगली, यू आर अगली बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स लाइक अगली। ये देखो मुझे नहीं पता ये किसने किया है, पर जहां तक मेरी बात है मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। तुम ऐसे ही हो, सब कुछ करती हो, बाद में बोलती हो मैं कुछ नहीं करती, पर सब फसाद की जड़ तुम ही होती हो। बोई बोई बोई, ये तो आज फुल मूड में लग रही है। बराबर बोल रही हूँ ना मैं, आप मुझको बताइए क्या ये कूड़ा कचरा ऐसा पहले भी फेंकती आ रही है। हाँ वो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ना ऊपर से ऐसा ऐसा करके झाड़ू से मारती थी, बहुत झगड़ा हुआ इसके, क्यों ऐसा बाल उनके बाल हमेशा खुले रहते हैं, मैंने कितनी बार बोला है बांधो जरा बाल, पूरे सोसाइटी में उनके बालों की ऐसी गुच्छा उड़ती है। शर्मिला बराबर बोल रही है, इनका ऐसा ही है, बहुत बाल गिराती है, बालों के साथ अपना कूड़ा कचरा बाहर फेंक, ऊपर रहती है ना, ऊपर रहने का ये फायदा उठाती है, कुछ भी कचरा फेंक दो नीचे आ जाएगा हमारे घर के आगे, हमको करना ही पड़ेगा ना साफ, हम तो रह रहे ब्रांडेड। सुमित्रा जी शर्मिला जी क्या बोल रही हो, आपको समझ में भी आ रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, कुछ भी आरोप मत लगाए मेरे ऊपर, आप सबको सब पता है। उल्टा जहां तक बात है सोसाइटी में कूड़ा कचरा फैलाने की और गंदगी फैलाने की, तो सबसे ज्यादा गंदगी तुम्हारी सास फैलाती है सोसाइटी में। खबरदार जो तुमने मेरा सास के ऊपर आरोप लगाया था, मेरा सास बहुत अच्छा, इट्स लाइक ये देखो कैरोलिना, तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनको सोसाइटी में, तुम तो 2 दिन पहले आई हो, मैं उनको 2-3 सालों से जानती हूँ। एक्सक्यूज मी, आई नो हर मोर देन यू बिकॉज वो मेरा साथ है, तेरा साथ नहीं है, और मेरे को तो ये लग रहा है कि तू मेरे ऊपर चल रही है, क्योंकि तूने जो उसके साथ प्रपोज मारा था, मेरे पति ने तुझको प्रपोज मारा था, वो तूने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मैंने उसको किया प्रपोज और फिर उसने मेरे साथ शादी कर लिया, अभी तू जल रही है क्योंकि तूने मौका गवा दिया, बट यू नो तुमने बहुत बड़ी गलती की है और उसको मान लो और मेरे ऊपर जलना छोड़ दो, और मेरा सास को बीच में घसीटो मत इसमें, अभी मधु मेरा है, मेरा रहेगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। तुम्हारा मधु तुमको मुबारक, अब जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे घर के आगे का कचरा साफ नहीं कर देती। एक्सक्यूज मी, मैंने जो किया नहीं वो साफ क्यों करूं, मैं पहले भी बोल रही थी और अब भी बोल रही हूँ, वो मैंने नहीं किया है और साफ भी मैं नहीं करूंगी, समझी, अब निकलो यहाँ से। फिर किसने किया है, इनफैक्ट वहां पे एक चिट्ठी भी है और उस चिट्ठी में इसका जो लैंग्वेज है, क्या है इसका लैंग्वेज, शर्वरी की मातृभाषा बंगाली है। हाँ वो मातृभाषा में इसने हमारे घर के आगे एक चिट्ठी छोड़ा है और उसमें मेरे सास को और मेरे को अगली बोला है, अभी सोसाइटी में और किसको आता है ये लैंग्वेज इसका, अभिजीत को आती है बंगाली, वो बंगाली है। हु इज अभिजीत, शर्वरी का एक्स। अब पहले था उसका बॉयफ्रेंड, अभी नहीं, अभी उसने भी शादी कर दी, प्रपोज किया था इसको, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जैसे आपके पति के साथ क्या वैसे कुंवारी रहेगी, कुछ नहीं होगा इसको। पर वो ऐसा क्यों करेगा, और मुझे तो वो आज तक सोसाइटी में दिखा भी नहीं, कैसा दिखता है पता भी नहीं। वो हमारे दामाद हैं, शीला है नाम, रीना नंदन के पति है, वो बिजी होते हैं काफी, दिन भर ऑफिस में होते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, वो तो अपने काम में बिजी होगा, ऐसी हरकतें वही कर सकता है जो फ्री है। एक्सक्यूज मी, मैं भी जॉब करती हूँ, फ्री नहीं हूँ, समझी, कब जाती हो जॉब पे, मैंने तो कभी नहीं देखा तुमको जॉब पे जाते हुए, कल भी नीचे आई थी, उससे पहले भी सोसाइटी में थी। क्या बोल रहे हो, एनीवे तुम सबसे पहले नीचे आओ और अपना चिट्ठी और अपना कूड़ा कचरा लेके अपने घर में घुसा दो, समझ गई, नहीं तो मैं तुमको घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी, समझ गई, इट्स कैरोलिना, ओके, भाग में जाओ। हे यो शर्वरी, दरवाजा खोलो। एनीवे मैं इसको सीधा करके ही जाऊंगी। क्या बात, आज तो कमाल कर दिया तुमने, लगा नहीं तो तुमको देख के इतनी बड़ी ऐसी चिंगारी इतना बड़ा धमाका कर देगी। थैंक यू वेरी मच कैरोलिना, मान गई मैं,
सच में कहर हो तुम कहर। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होते है क्या। ये तो ढोलकिया जैसे भी एक कदम आगे की निकली। हाँ मुझे तो लगता है ये ट्रेलर है, बहुत बड़ा पिक्चर दिखाने वाले हमको कैरोलिना।